नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फार्मास्यूटिक जो हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो उसके जो एम सी क्यूज़ है तो एम सी क्यूज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है, है फ्रेंड जो कि जीपैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीपैट जीपैट को छोड़ के जो ऑर्स एग्जाम है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगा और आप इजली हमारे वीडियो देख सकते हो तो फर्स्ट एम क्या कहता है फ्रेंड्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग जिलेटिन कॉन्सेंट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स तो ऑप्शन ए हमारे पास है सिक्सटी टू बाई थ्री परसेंट बी ऑप्शन है सेवेंटी टू बाई थ्री परसेंट सी ऑप्शन है फिफ्टी टू बाई थ्री परसेंट डी ऑप्शन है सिक्सटी थ्री बाई फोर परसेंट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सिक्सटी टू बाई थ्री परसेंट सेकेंड एम से क्यों देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट डी ओ टी इज परफॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग तो ऑप्शन देख लीजिए ए ऑप्शन एरोसोल बी ऑप्शन ग्लास कंटेनर सी ऑप्शन कैप्सूल डी ऑप्शन नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर एरोसोल थर्ड एमसीक्यू मेजरमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल एरोसोल इज बाय पी कैक्सेड इंपैक्टर क्यू लाइट स्कैटर डीके आर के एफ मेथड और एस आई आर इसका ऑप्शन कौन कौन से इसके ए इज क्यू आर बी इज आर एस सी इज एस डी एज पी क्यू करेक्ट ऑप्शन इज डी पी एंड क्यू पी क्या है कैक्सेट इंपैक्टर और क्यू लाइट स्कैटर डी केमसीक्यू देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट शुड बी सॉल्व बाय द रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल पार्टीशनर is given in which of the following schedule option is a is schedule h b is schedule b c is schedule x d option is schedule q the correct option is a schedule a fifth number mcq identify the correct non inflammable propellant mc uh, sorry option is a डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोमोनोफ्ल्यूरोमिथेन सी ऑप्शन डाइमिथाइल इथर डी ऑप्शन इज डायफ्ल्यूरोमिथेन द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन ट्राइक्लोरो ट्राईक्लोरोमोनोफ्लूरोमिथेन सिक्स नंबर एम सिक्यूज द फर्स्ट एरोसल इंसेक्टिसाइड वॉज डेवलप बाय ए ऑप्शन गुड एंड सिल्वेन बी ऑप्शन गुड C option Sullivan, D option Franklin. The correct option is option A. Good hue and Sullivan. Sixth sorry seventh number MCQ. The first pharmaceutical aerosol was developed in the year of A option is 1945. B option is 1955. C option is 1949 and D option is 1960. The correct option is B option 1955. Eight number MCQs. Which drug is formulated as first pharmaceutical aerosol? The option is A option epinephrine, B option codeine, C option chloro D option probenoxide. The correct option is option A. Epinephrine is the correct answer. Nine number MCQ. The deep tube in aerosol container is made from one of the following. The option is A option polypropylene B option glass C option aluminium D option stainless steel. The correct option is A option polypropylene. Tenth number MCQ. Which of the following device is used to increase the efficiency of drug delivery? Why nestor? The option is A tubes spacer B option is matted walls C option is active एट्यूएटर, डी ऑप्शन इज प्रेशर वॉल तो इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना है ओके आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच